मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्टली वेलकम करता हूं। ग्लोबलाइजेशन का युग है, हर व्यक्ति लैपटॉप मोबाइल से काम कर रहा है और इस दुनिया में इसी मोबाइल और लैपटॉप पर साइबर क्राइम बढ़ता जा रहा है। लोग ठगी के शिकार हो रहे हैं। कोई ऑनलाइन फोन करता है, कोई मेल करता है, कोई आपके पासवर्ड चुरा लेता है, कोई हैकिंग कर लेता है। तो इससे सावधान रहने के लिए कहते हैं सावधानी हटी दुर्घटना घटी। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बताऊंगा जो आजकल की ग्लोबलाइजेशन के युग में, आधुनिक युग में हर व्यक्ति के पास मोबाइल है और उसके पासवर्ड आपसे मांग लिया जाता है, बैंक का आपकी डिटेल चुरा ली जाती है, आपके कार्ड क्रेडिट कार्ड वगैरह की डिटेल ले लेते हैं और कहते हैं हम बैंक से बोल रहे हैं आपकी लॉटरी लग गई है। तो इन बातों से कैसे बचें, इस वीडियो मैं शुरू से अंत तक देखिए और डिटेल बता रहा हूं। कहीं आप भी हैकिंग के शिकार तो नहीं हुए हैं? फेक जॉब ऑफर आपको तो नहीं दिया, आपके पैसे तो नहीं निकाल लिए गए? इन बातों का विशेष सावधानी रखकर ध्यान कर सकते हैं। अगर आप भी जालसाजी के शिकार होने से बचना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखिए। इंटरनेट मोबाइल की दुनिया में दिन भर लोग इसका यूज कर रहे हैं। कई बार लोग ठगी के शिकार रोज आप अखबार में, टीवी न्यूज में सुनते हैं। कहीं आपकी गाड़ी कमाई पर कोई डाका तो नहीं डाल रहा है? यूजर के पास ईमेल और आईडी के जरिए फिशिंग हैकिंग चलती है, इंटरनेट के जरिए मोबाइल के द्वारा, और वो साइट पर आपका मोबाइल के द्वारा ऐसी साइट जो हैकर बनाते हैं। तो इससे सावधानी से बचिए। कोई भी आपके पास इस तरह का कोई फ्रॉड कॉल आता है तो आप उसका जवाब ना दें, उसको अपनी बैंक की डिटेल ना दें। रेपुटेड साइट से जब भी कोई सामान खरीदें, रेपुटेड साइट से लें जहां से आप हमेशा लेते हैं, और पासवर्ड अगर मांगा जाए तो ना दें। क्रेडिट कार्ड की डिटेल कभी शेयर ना करें, अन्यथा आप धोखे का शिकार हो सकते हैं। पासवर्ड ना दें क्योंकि ये लोग डाटा चुरा कर आपके पैसे उसमें से खींच लेते हैं। बैंक की डिटेल फोन में ना रखें, सावधानी बरतें। किसी भी साइट पर जाने के पहले ये देख लें, हमेशा आप उस पर विश्वसनीय साइट पर जाते हैं। शॉपिंग की जांच पड़ताल करने के बाद ही कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग करें। मेल फोन आपके पास आता है, सावधानी से बातचीत करें, कोई डिटेल ना दें ईमेल फोन आता है तो। और एंटीवायरस जरूर यूज करें। कुछ सावधानियां बरत कर आप अपनी सुरक्षा कर सकते हैं, क्योंकि आजकल आधुनिक युग है, दिन भर आप इसका इस्तेमाल करते हैं, ऑनलाइन फ्रॉड आम लोगों के साथ हो रहा है और इस फेक जॉब ऑफर से भी कई लोग किसी भी सामान लेने के अलावा भी कई प्रकार के फ्रॉड इस मोबाइल की दुनिया में चल रहे हैं। तो इनसे आप सावधानी बरत कर बच सकते हैं। मैंने एक छोटी सी जानकारी आपको दी। वीडियो कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा हो से लाइक करें, शेयर करें। एक और अनुरोध मेरी धर्मपत्नी श्रीमती अर्चना शर्मा का भी यूट्यूब पर चैनल अर्चना आरटी आपके नाम से है, मेरे चैनल से जुड़े रहिए। आपके काफी सब्सक्राइबर हो गए हैं, जो लोग देख रहे हैं मैं उनका हृदय से आभारी हूं, धन्यवाद। इस वीडियो में यहीं तक, कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार मित्र।